अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई आज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करने के लिए अमृतसर पहुंचे। इस मौके पर करजई की ओर से सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में श्रद्धा सहित एक बेशकीमती गलीचा और वास भेंट किया गया। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के अधिकारियों की ओर से करजई का भव्य स्वागत किया गया और उनको सम्मानित भी किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए करजई ने बताया कि उनकी बहुत देर से दिली ख्वाहिश थी कि वह सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जाएं। वहीं उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेनों पर बोलते हुए कहा कि अगर दोनों देशों ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के बीच पाकिस्तान आता है, इससे दोनों देशों का फायदा हो सकता है। वहीं बीते कुछ समय पहले अफगानिस्तान में कुछ सिख और हिंदुओं का निशाना बनाया गया था, उस पर बोलते हुए पूर्व राष्ट्रपति करजई ने कहा कि वह बेहद दुखद था और वहां पर रह रहे हिंदू और सिख काफी परेशान है, लेकिन मैं चीज का संतोष रखता हूं कि जब मैं अफगानिस्तान का राष्ट्रपति था तब मेरी पलटन में हिंदू और सिख भरे पड़े थे और उस वक्त सरकार में भी सिखों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। आज अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत ठीक नहीं है। I visited and paid respects to Harmandir Sahib. It is a wish come true. I hope to have this honor more often at this high place of spirituality and serenity. My profound regards and highest respects, humbly, Hamid Karzai. Our Sikh and Hindu communities are original to Afghanistan. They are part of our life, part of our blood. Unfortunately, in the past 40 years, like all other Afghans, they have suffered as well, and they have suffered a lot.